नमस्कार दोस्तों, चंडीगढ़ बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए राउंड वी गले में फ्रिल वाला डिजाइन लेकर के आया हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले हमने एक वी नेक कटिंग किया हुआ है। ये हल्का राउंड वी है और इसकी ब्रॉड लेंथ जो होगी हमारी तकरीबन 7 इंच की है, और जो डीप लेंथ है हमारी 7.5 इंच। तो यहाँ पे आपने नॉर्मल तरीके से एक राउंड वी नेक कटिंग करना है और उसको कपड़े के ऊपर इस तरीके से पेस्ट कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। एक हमने यहाँ पे पट्टी तैयार करनी है फ्रिल के लिए। इस प्रकार से ये हमारे पास इस तरीके की पट्टी हमने तैयार की हुई है। इसको तैयार करने का मैं आपको तरीका बता देता हूं। सबसे पहले हमें एक कपड़ा लेना है इस तरीके से लंबी पट्टी के साथ में। ये हमारी छोटी पट्टी है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे ये छोटी पट्टी ली है। इसमें से हम यहाँ पे 3/4 इंच चौड़ी एक पट्टी कटिंग कर लेते हैं ऐसे। अब इस पट्टी को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक साइड में इस तरीके से 1/2 इंच की सिलाई लगा लेंगे पूरी पट्टी में, जितनी भी लंबाई वाली हमारी पट्टी होती है, जैसे मैंने यहाँ पे ये तैयार की हुई है। तो सिलाई लगाने के बाद हमारी पट्टी की शेप यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगी, जैसे मैंने ये सिलाई लगाई हुई है। अब हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से सिलाई को चीर लेना है बीच में से, इस प्रकार से, इस तरीके से हम सिलाई को अच्छे से बीचों बीच से चीर लेंगे। बीच से चीरने के बाद अब हम एक कोई भी चीज लेंगे, मैंने तो झाड़ू की सीख ली हुई है, इससे इसको पलट लेंगे यहां पे इस प्रकार से। कैसे इसको पलट लेते हैं पूरी लंबाई वाली पट्टी को, और फिर हम यहाँ पे इसको इस तरीके से अच्छे से प्रेस से सेट कर लेते हैं। प्रेस से सेट करने के बाद हमारी पट्टी इस प्रकार से आएगी, जैसे हमने यहाँ पे ये काफी लंबाई वाली पट्टी तैयार की हुई है। दोस्तों, इस तरीके से पट्टी तैयार करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले गला तैयार करते हैं नॉर्मल तरीके से, फिर ऊपर की साइड हम फ्रिल लगाना बताएंगे किस तरीके से फ्रिल लगाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमें यहाँ पे सिंपल तरीके से गला तैयार करना है। बाहर की साइड का जो कपड़ा बचता है उसको बुकरम के ऊपर इस प्रकार से फोल्ड कर लेते हैं। गला दोस्तों हमने यहाँ पे बना लिया है। अब हम यहाँ पे कमीज के फ्रंट के ऊपर रखते हैं इस प्रकार से, और इसको अटैच कर लेते हैं बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते हुए। सिलाई लगाने के बाद एक पैर का मार्जिन रखेंगे और इस प्रकार से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे कट लगाएंगे और हल्के हल्के 2-3 कट इधर भी लगा देंगे गोलाई वाली साइड में ऐसे। अब हम बुकरम वाले गले को अंदर की साइड फोल्ड कर लेते हैं और ऊपर से यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। इस
तरीके से सिंपल गला हमारा यहाँ पे तैयार हो गया है। अब हमें ऊपर की साइड फ्रिल बनाते हुए अटैच करनी होती है। सबसे पहले दोस्तों हम एक साइड में यहाँ पे फ्रिल लगाएंगे, फिर दूसरी साइड में ऐसे फ्रिल जाएगी हमारी नीचे तक। तो यहाँ पे हम छोटे वाली साइड से शुरू करते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे हमें फोल्ड लगाना है ऐसे, इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड लगाना है तकरीबन आधा से पौना इंच का इस प्रकार से। और यहाँ पे रखेंगे ऐसे इस नोक के ऊपर और सेंटर में सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें कच्ची लगानी है, मोटे टाके वाली। अब हम दूसरी साइड से फोल्ड लगा लेते हैं इस प्रकार से, जैसे बॉक्स प्लेट डाली जाती हैं सेम वही तरीका हमें यहाँ पे अपनाना है। अब हम फिर से इस साइड का फोल्ड लगाएंगे। कर दोस्तों हमने यहाँ पे इस तरीके की प्लेट डालते हुए यहाँ पे एक साइड की फ्रिल तैयार की है। इसमें भी हमें यहाँ पे डिजाइनिंग करनी है, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके की यहाँ पे डिजाइनिंग करते हैं। यहाँ पे हम जो डिजाइन करेंगे मोती के साथ में डिजाइनिंग करेंगे। तो एक साइड में जैसे यहाँ पे हमने फ्रिल तैयार की है, दूसरी साइड में इस साइड में भी हम फ्रिल तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमें इस प्रकार से एक निशान लगाना है क्योंकि हमें नीचे तक फ्रिल लगानी है। यहाँ पे दोस्तों जैसे हमने इस साइड में फ्रिल लगाई थी, तो इसी प्रकार से हमने यहाँ तक सेंटर पॉइंट तक फ्रिल तैयार कर लिया दूसरी साइड में भी। अब मैं आपको आगे की साइड दिखाऊंगा किस तरीके से तैयार करनी है। तरीका सेम रहता है, सिर्फ मैंने थोड़ा बढ़वा लगानी है, तो इसलिए मैं आपको आगे की साइड दिखा रहा हूँ। जो हमारा ये निशान है, निशान के साथ साथ हमें लगाते जाना है। धीरे धीरे करते हुए आपने यहाँ पे फ्रिल कंप्लीट करनी होती है। सेम इसी तरीके से जल्दबाजी नहीं करनी होती, क्योंकि हमें हल्की हल्की गोलाई में यहाँ पे फ्रिल लगानी होती है।
प्रकार दोस्तों हमने इसी तरीके से नीचे तक यहाँ पे फ्रिल कंप्लीट कर ली है, इतना हमारा यहाँ पे दबाव आता है इसलिए हमने आगे तक नहीं लगाई है। दोस्तों इस प्रकार जैसे हमारी फ्रिल यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, लेकिन अब भी हमें फ्रिल के ऊपर यहाँ पे थोड़ा डिजाइन डालना है। तो डिजाइन डालने के लिए हमने यहाँ पे मोती यूज करने हैं, तो हम लेस में से मोती निकाल लेंगे यहाँ पे गोल्डन कलर के, इस प्रकार से काटते हुए। इस तरीके से हमारे पास ये मोती आ जाते हैं। तो इन मोतियों को हम किस तरीके से लगाते हैं और फ्रिल को किस तरीके से और ज्यादा सुंदर बनाते हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ पे फ्रिल हमने इस प्रकार से तैयार कर ली थी और डिजाइनिंग हमारी इस प्रकार की बनेगी। यहाँ पे ये वाले अब मैं आपको डिजाइनिंग सिखाऊंगा किस तरीके से हमने यहाँ पे तैयार की है। जैसे हमारी यहाँ पे ये फ्रिल होती है, ये वाली फ्रिल हमने सिलाई से इस तरीके से बना ली है, डिजाइनिंग हमें इस तरीके की डालनी है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक सुई में धागा लेना है इस तरीके से, डबल धागा, और नीचे की साइड उसमें गांठ लगा लेते हैं। जो हमने यहाँ पे प्लेट डाली हुई है, बॉक्स प्लेट, हमें बॉक्स प्लेट के नीचे से इस तरीके से सुई सेंटर से निकालनी होती है, ऐसे बीचों बीच से ऐसे निकालनी है। यहाँ पे निकालने के बाद हमने एक एक कोना इस तरीके से सीलना होता है हाथ की सुई से, ऐसे बिल्कुल बारीक कोना ऐसे। फिर दूसरा कोना आएगा यहाँ पे इस प्रकार से, फिर इस साइड से तीसरा, एक साइड से हम शुरू करते हैं और चारों कोनों को इसी प्रकार से सीलते हैं। फिर अब चौथा कोना आएगा ऐसे, चारों कोनों में हमने इस प्रकार के जैसे एक कोने होते हैं इनमें चारों कोनों में धागा अटैच कर लिया है। अब इसको हम हल्का सा इस तरीके से खींच लेते हैं धागे को ऐसे, तो डिजाइनिंग हमारी खींचने के बाद इस प्रकार की आएगी, ऐसी हमारी यहाँ पे डिजाइनिंग आ जाती है। अब हम सेंटर से नीचे की साइड फिर से सुई को निकालते हैं और यहाँ पे हल्का सा इसको टाइट कर देते हैं, तो इस तरीके की बड़ी ही खूबसूरती से हमारी ये डिजाइनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे हम सेंटर में इस प्रकार से एक मोती लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे मोती लिया हुआ है। अब दोस्तों हम यहाँ पे एक एक मोती लगाएंगे इस तरीके से, यहाँ पे सुई में निकालेंगे और सेंटर पॉइंट पे यहाँ पे मिला लेते हैं। सेंटर पॉइंट पे मिलाने के बाद हम नीचे की साइड से फिर से एक टाका लगाते हैं, तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे हमारा इस प्रकार का एक मोती अटैच हो जाता है। अब सेम तरीके से मैं आपको एक पीस और तैयार करके दिखाऊंगा। दूसरे पीस में भी हमने यहाँ पे सेंटर से इस तरीके से निकालना है धागा और यहाँ पे इस प्रकार से हम एक एक कोने को, यहाँ पे देखने वाली बात यही होती है कि आपने एक एक कोने को किस तरीके से अटैच करना होता है। इस प्रकार से चारों कोने हमने यहाँ पे अटैच किए हैं। अब हम धागे को खींचते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार की हमारी सेव आ जाती है ऐसे। इस तरीके की जब हमारी यहाँ पे सेव आ जाएगी, अब हम यहाँ पे एक बार फिर से नीचे की साइड सुई निकाल लेंगे तो और यहाँ पे पक्का करेंगे हल्का सा ऐसे, तो डिजाइनिंग हमारी बहुत सुंदर सी तैयार हुई है। अब हम यहाँ पे बीच सेंटर में मोती लगा देते हैं। इस प्रकार की दोस्तों हमने यहाँ पे ये डिजाइनिंग कंप्लीट की है। दो पीस मैंने यहाँ पे बना के दिखाए हैं, बाकी के कुछ पीस भी हम इसी तरीके से तैयार करते हैं और इस साइड का सेम डिजाइन मैंने सेम इसी तरीके से तैयार किया हुआ है। इस प्रकार दोस्तों हमने दूसरी साइड में भी यहाँ पे जैसे आपको दिखाया था बहुत सुंदर तरीके से डिजाइन कंप्लीट किया है। दोनों साइड में डिजाइन जब हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हमारा यहाँ पे कुर्ती का डिजाइन तैयार हो जाता है। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।